मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में आई एम ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास एसी और मेरे जस्ट पास में तीन लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा, देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं और दारू पी रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि पूरी की पूरी ट्रेन में एक भी पुलिस वाला नहीं है। ये टीटी साहब मेरे साथ में ही बैठे हैं, आप देख सकते हो सारे पैसेंजर यहीं पे ही है, यू कैन सी, एक भी पुलिस वाला नहीं है। मैंने पुलिस में कंप्लेन की टीटी सर के थ्रू और इट्स बीन वन आवर, एक भी पुलिस वाला नहीं आया है। आप यहाँ पे आओ, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे हैं, आप देखो यहाँ पे, प्लीज सी दैट, वो दारू का बॉटल पड़ा है, ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, इनके पास में कोई वेपन हो, ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहे हैं उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा, इन तीनों के साथ में बोल रहे हैं। बट इट इज रियली शेमफुल कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। मैं रेलवे मिनिस्टर से बोलना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, सरकार से ही बात करना चाहूंगी कि क्या महिला सुरक्षा को लेकर के इतने सीरियस आप हैं सच में, क्योंकि इस पूरी की पूरी ट्रेन में नॉट अ सिंगल JRPF का कोई जवान नहीं है, कुछ भी नहीं। एक घंटे से मैं परेशान हो रही हूँ, एक घंटे से। पहले बोला मकराना से कोई पुलिस वाला यहाँ चढ़ेगा, कोई नहीं आया। उसके बाद में बोला कि देगाना से चढ़ेगा, देगाना से कोई नहीं आया। अब आप देखिए इस चीज की जवाबदेही किसकी है। रात के 1 बज रहे हैं, मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में आई एम ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास एसी और मेरे जस्ट पास में तीन लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा, देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं और दारू पी रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि पूरी की पूरी ट्रेन में एक भी पुलिस वाला नहीं है। ये टीटी साहब मेरे साथ में ही बैठे हैं, आप देख सकते हो सारे पैसेंजर यहीं पे ही है, यू कैन सी, एक भी पुलिस वाला नहीं है। मैंने पुलिस में कंप्लेन की टीटी सर के थ्रू और इट्स बीन वन आवर, एक भी पुलिस वाला नहीं आया है। आप यहाँ पे आओ, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे हैं, आप देखो यहाँ पे, प्लीज सी दैट, वो दारू का बॉटल पड़ा है, ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, इनके पास में कोई वेपन हो ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहे हैं उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा, इन तीनों के साथ में बोल रहे हैं। बट इट इज रियली शेमफुल कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। मैं रेलवे मिनिस्टर से बोलना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, सरकार से ही बात करना चाहूंगी कि क्या महिला सुरक्षा को लेकर के इतने सीरियस आप हैं सच में, क्योंकि इस पूरी की पूरी ट्रेन में नॉट अ सिंगल JRPF का कोई जवान नहीं है, कुछ भी नहीं। एक घंटे से मैं परेशान हो रही हूँ, एक घंटे से। पहले बोला मकराना से कोई पुलिस वाला यहाँ चढ़ेगा, कोई नहीं आया। उसके बाद में बोला कि देगाना से चढ़ेगा, देगाना से कोई नहीं आया। अब आप देखिए इस चीज की जवाबदेही किसकी है। रात के 1 बज रहे हैं, मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में आई एम ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास एसी और मेरे जस्ट पास में तीन लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा, देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं और दारू पी रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि पूरी की पूरी ट्रेन में एक भी पुलिस वाला नहीं है। ये टीटी साहब मेरे साथ में ही बैठे हैं, आप देख सकते हो सारे पैसेंजर यहीं पे ही है, यू कैन सी, एक भी पुलिस वाला नहीं है। मैंने पुलिस में कंप्लेन की टीटी सर के थ्रू और इट्स बीन वन आवर, एक भी पुलिस वाला नहीं आया है। आप यहाँ पे आओ, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे हैं, आप देखो यहाँ पे, प्लीज सी दैट, वो दारू का बॉटल पड़ा है, ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, इनके पास में कोई वेपन हो ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहे हैं उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा, इन तीनों के साथ में बोल रहे हैं। बट इट इज रियली शेमफुल कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। मैं रेलवे मिनिस्टर से बोलना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, सरकार से ही बात करना चाहूंगी कि क्या महिला सुरक्षा को लेकर के इतने सीरियस आप हैं सच में, क्योंकि इस पूरी की पूरी ट्रेन में नॉट अ सिंगल
जेआरपीएफ का कोई जवान नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक घंटे से मैं परेशान हो रही हूँ, एक घंटे से। पहले बोला मकराना से कोई पुलिस वाला यहाँ चढ़ेगा, कोई नहीं आया। उसके बाद में बोला कि देगाना से चढ़ेगा, देगाना से कोई नहीं आया। अब आप देखिए इस चीज की जवाबदेही किसकी है। रात के 1 बज रहे हैं, मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रेवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में, आई एम ट्रेवलिंग इन सेकंड क्लास एसी, और मेरे जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा। देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे और दारू पी रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि पूरी की पूरी ट्रेन में एक भी पुलिस वाला नहीं है। ये टीटी साहब मेरे साथ में ही बैठे हैं, आप देख सकते हो सारे पैसेंजर यहीं पे ही है, यू कैन सी। एक भी पुलिस वाला नहीं है। मैंने पुलिस में कंप्लेन की टीटी सर के थ्रू और इट्स बीन 1 आवर, एक भी पुलिस वाला नहीं आया। आप यहाँ